ऑप्शंस पर तुम्हारा सब लोग बहुत बहुत स्वागत है। मॉर्निंग में आज हमने जो एनालिसिस की उस हिसाब से देखें तो दो ट्रेंड लाइन हमने निफ्टी में ड्रॉ किए थे। आई होप कि आपने चार्ट में अपने ड्रॉ किए हों। हम पिछले दिन के चार्ट से रिलेटेड एक हमने ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ किया था और एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया था, अगर आपको याद हो मॉर्निंग की वीडियो अगर आपने देखी हो तो। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से चलते हुए हमने जो है, अगर आपने थोड़ा सा गौर किया हो यहाँ के पॉइंट्स को भी अगर मार्क करते हुए कुछ अगर पॉइंट बनाए हों तो आपको शायद एक चैनल ज़रूर दिख रहा होगा ड्रॉ होता हुआ। मीन्स अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों लाइन को हम अगर कंपेयर करें साथ के साथ तो, और जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स जो हमने ऑप्शन चेन को एनालाइज करके किए थे, सुबह की ऑप्शन चेन वीडियो अगर आप देख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मॉर्निंग में जो हम डेली ऑप्शन चेन के एनालिसिस वीडियो करते हैं जिसमें बैंक निफ्टी में भी हमने लेवल्स ड्रॉ किए थे। बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में हमने ये पैटर्न भी ड्रॉ किया था, तो अगर बैंक निफ्टी में उस पैटर्न के, जिस पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ वो हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया था, जिसका हमें नीचे की तरफ ब्रेकडाउन काफ़ी अच्छा मिला। ऊपर की तरफ जो हमें ब्रेकडाउन मिला उस पर ज़्यादा रिलायबिलिटी इसलिए नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ऊपर एक रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ था जो हमने मॉर्निंग में ही ऑप्शन चेन में देखा था, 52,650 मतलब 600 से 700 के लेवल्स पे। साथ के साथ हमने प्रीवियस डे के प्राइस एक्शन को भी इंक्लूड किया था ये रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने के लिए। बात कर रहे हैं मिड जोन जहां पे हमने येलो कलर से मार्क किया था, इसको हमने इसीलिए येलो कलर से मार्क किया था क्योंकि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के नंबर्स जो थे ऑप्शन चेन में वो लगभग सिमिलर दिखाई दे रहे थे। मींस एक प्रॉपर डिसीजन नहीं दिख रहा था कि मार्केट किस साइड के मूवमेंट्स ले सकता है। बट फर्दर चलते चलते जब आपको कॉल राइटिंग के नंबर्स अच्छे खासे मूव करते हुए दिखे, मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेंड भी ब्रेक किया। सपोर्ट हमारे पास नीचे था, सपोर्ट भी काफी अच्छी तरीके से काम आया, मार्केट ने सपोर्ट से सपोर्ट लिया भी है। और अगेन जो हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस था फिलहाल भी एक रेजिस्टेंस के रूप में शायद नजर आ रहा हो 52,500 का लेवल। अगर हम बैंक निफ्टी का अभी का ऑप्शन चेन देखें भी तो शायद 52,500 पर एक कॉल राइटिंग के नंबर्स ज्यादा होते हुए दिखाई देने चाहिए जो शायद उसको एक रेजिस्टेंस बना रहा हो। कॉल राइटिंग 52,500 की चेक करें तो 96,000 के अप्रॉक्स 97,000 के आसपास चेंज इन वाई, जहां पे पुट राइटिंग सिर्फ 32,000 है। तो यस 52,500 इज स्टिल अ गुड रेजिस्टेंस। तो मॉर्निंग में भी हमें कॉल साइड की तरफ नंबर बढ़ते हुए दिखे, मतलब कॉल राइटिंग, कई सारे लोग जो लोग ऑप्शन चेन को आप समझ रहे हो तो थोड़ा सा ये उल्टा है क्योंकि सेलर के पर्सपेक्टिव से हिसाब से है। जो लोग चाहते हो कि ऑप्शन चेन पर एक लाइव क्लास कभी रखी जाए तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। और आप लोग, जब मैं इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ, मॉर्निंग के ऑप्शन चेन की वीडियो भी कर रहा हूँ, आपको लेवल्स भी ड्रॉ करके दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे आपको पैटर्न्स भी शेयर कर रहा हूँ, सब कुछ फ्री में, और उसके बदले में भी अगर आप एक लाइक वीडियो पे नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपने कमेंट्स नहीं बता पा रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि शायद आपको चैनल के साथ रहना चाहिए। कि आपको जो मिल रहा है उसके बदले में अगर आप फीडबैक नहीं दे पा रहे तो आई वुड सजेस्ट कि आप चैनल पर शायद ना रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मैं कई दिन से देख रहा हूँ लगातार, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, और शायद मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो फ्री में एनालिसिस हम कर रहे हैं मॉर्निंग में, ऑप्शन चेन को एनालाइज कर रहे हैं, अब ये बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लोग लेने लगे हैं। लोगों को लग रहा है कि ठीक है, दिस इज़ नॉर्मल, डेली आता है हमारे पास, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट आप लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को अगर किसी भी एंगल से कहीं पे भी एक छोटा सा भी हेल्प हो रहा है तो आप उसे फीडबैक जरूर दें, एक लाइक कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं, अभी अगर मैं इस पर दो मिनट भी ज़्यादा बोल दूंगा तो उसमें भी कई सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए अपने काम पर बैक चलते हैं। बाकी आपको मैंने आपको बता दिया आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं। साथ के साथ यार एक रिक्वेस्ट और है कि जो भी 4-5 लोगों ने जिन्होंने भी स्ट्रेटजी बंडल डाउनलोड किया है वेबसाइट से, जिन्होंने भी स्ट्रेटजी बंडल डाउनलोड किया है उसमें से जो स्ट्रेटजीज 3 मिनट से अब 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे हैं ऑप्शंस में, मतलब एनालिसिस करने के लिए, वो लोग प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर करते रहें, बताते रहें कि स्ट्रेटजीज में क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, कितना सक्सेस उसका रेट आ रहा है, जिससे कि मैं उन चीज़ों को और भी सुधार सकूँ। आई होप कि आपको बेटर रिजल्ट्स मिल रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है देन प्लीज डू मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप 7011292963। जिनने भी डाउनलोड किया है वो लोग, आप बैक टेस्ट अगर कर रहे हो या फिर लाइव एनालिसिस कर रहे हो तो जो प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे कोई फॉल्ट आ रहा है, सक्सेस रेट अगर कम आ रहा है, एंट्री पॉइंट्स बनाने में दिक्कत आ रही है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज आप जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल निफ्टी का चार्ट एक बार देख लें तो निफ्टी का चार्ट साइडवेज के चांसेस ज्यादा है, मॉर्निंग में ही हमने देखा था नंबर्स ज्यादा दूर के नहीं थे,
रेंज ज्यादा दूर की नहीं थी। आरएसआई भी हमने मॉर्निंग में देखा, आप आरएसआई देखो 40 और 60 के बीच में, ऑलमोस्ट टोटल आज पूरा दिन 40 और 60 के बीच में ही रहा। अगेन वन मोर लर्निंग, हमेशा ध्यान रखिए 40 और 60 के बीच में अगर मार्केट मूव कर रहा है आरएसआई में, तो प्रोबेबली चांस ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं कि मार्केट आपको साइडवेज के ही मूवमेंट्स देने लगे। कई सारे लोग इसको एज अ अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं, जो बहुत ही क्विक स्कैल्पर होते हैं, अगर कोई 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा है या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा है, उनके लिए यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं कि जैसे अगर उन्होंने जस्ट एक चैनल भी क्रिएट कर लिया, लेट्स अज्यूम दिस चैनल वो क्रिएट करते हैं, तो वो रेजिस्टेंस लाइन पे पुट में एंट्री करके प्रॉफिट कर सकते हैं, देन अगेन सपोर्ट लाइन पे पुट एंट्री करके लोग कॉल में एंट्री कर लेते हैं। ये बहुत ही एक्सपीरियंस जो बहुत दिन से कर रहे हैं लोग या स्कैल्पिंग करते हैं लगातार, क्योंकि उनको कोई खास बड़े मतलब नहीं होते हैं लंबे टाइम फ्रेम के लिए कि 3 मिनट या 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की ट्रेड, जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कहीं ट्रेड कर रहे हैं वो भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, और उनके लिए भी स्ट्रेटजीज हैं, उस स्ट्रेटजी बंडल में भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी है। मैं भी ट्रैक कर रहा था, कई सारे एंट्रीज मुझे 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर जो स्ट्रेटजी थी उसमें मिली है। सो आई होप यार आप लोगों को भी हेल्प कर रहा हो, प्लीज देखते रहिएगा। वनडे का चार्ट एक बार देखें निफ्टी के लिए, अब एक पॉज मोड निफ्टी थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले अगर हम एक पॉज मोड की बात करें, निफ्टी ने जो बनाया था वो यहाँ पे कहीं दिखाई दे रहा था 23,650 के आसपास, 665 का जो लेवल था अगर आपको याद होगा। उसके बाद एक पॉज मोड मार्केट ने जब बनाया तो ये लेवल कहीं बनाया 24,170 के आसपास। अब जो एक पॉज मोड फिलहाल में निफ्टी बना रहा है 24,400, और 24,400 को ब्रेक करना जहां तक मार्केट के सेंटिमेंट्स को लग रहा है, कई सारे लोग जो एक एनालिसिस भी करने की कोशिश कर रहे हैं, कई सारे लोगों का कहना है कि 24,400 को ब्रेक करना फिलहाल बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत ज्यादा मुश्किल होने का मतलब हुआ कि अगर साइडवेज भी मार्केट रहता है तो कितने ही टाइम तक रहेगा, इसका मतलब प्रोबेबली चांस शायद कहीं फॉल के हैं, और वो फॉल कब आता है आरएसआई डाइवर्जेंस का अगर हम थोड़ा सा इंतजार करें। वनडे के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए हम वनडे के टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं, तो इसमें चीजें हम जब कोई एनालिसिस करेंगे तो वो लेट होंगी, दूर जाएंगी, क्योंकि वनडे का एक कैंडल हम वॉच कर रहे हैं। अब यही जब हम आरएसआई डाइवर्जेंस की बात करते हैं बैंक निफ्टी में, तो वहां थोड़ा सा हमें माहौल भी काफी अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। अब वहां पे जो आरएसआई डाइवर्जेंस के लिए एक और बीच में जो हमें रेंज दिख रहा है, एक अच्छा रेंज दिख रहा है जो प्रोबेबली थोड़ा सा हमें हेल्प कर सकता है आरएसआई डाइवर्जेंस के इफेक्ट के लिए, वो रेंज दिखाई दे रहा है 52,050 और 51,900 के आसपास। 150 पॉइंट का जो यहां पे एक रेंज दिख रहा है 52,050 एंड 51,900, ये जो 150 पॉइंट के बीच का रेंज है, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें इस डबल टॉप पैटर्न की एक नेक लाइन रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है। साथ के साथ हम यहां पर एक इस हाई की बात कर रहे थे, एक इस हाई की बात कर रहे थे और एक इस हाई की बात कर रहे थे, तो हम अगर देखें तो थोड़ा सा हमें ट्रेंड में एक स्ट्रेंथ लूज होती हुई आरएसआई में दिख रही है। आरएसआई 60 ब्रेक करता है नीचे किसी एक कैंडल के क्लोज पे वनडे के चार्ट पे, तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस बन जाएंगे मार्केट के नए डिप के लिए, नए फॉल के लिए। अब जब मार्केट वो फॉल लेगा तो क्या सपोर्ट्स होंगे, कहां पे प्रोबेबली चांस मार्केट अपने को होल्ड करने की कोशिश कर सकता है, सबसे पहले और सबसे पहला जो रीजन दिख रहा है वो साफ साफ आपके सामने है, 52,000 का लेवल साफ साफ जो हमें दिखाई दे रहा है वो है 52,000 का लेवल, जहां मार्केट प्रोबेबली पूरी पूरी तरीके से एक पॉज लेने के चांस बना सकती है, और इसके बाद अगर ये टूटता है देन शायद हमें जो नेक्स्ट टारगेट्स देखने को मिले वो 51,100 के आसपास के दिखेंगे, जो शायद इस कैंडल के हाई पॉइंट की वजह से हम इसे मार्क कर रहे हैं, साथ के साथ इस कैंडल के लो मार्क भी कर रहे हैं। ये जो 2-3 कैंडल हैं इनका ये जो रेंज है, ये रेंज इसलिए हम कंसीडर कर रहे हैं नेक्स्ट सपोर्ट का बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर आप चाहें, आपका कोई मन हो, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं एज अ नेक्स्ट सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी इफ दिस सपोर्ट ब्रेक्स। और ऊपर रेजिस्टेंस के पॉइंट दो खास नजर आ रहे हैं फिलहाल, जो लेवल रेजिस्टेंस का 53,170 के आसपास ड्रॉन है, अगर रेंज अगर हम रेजिस्टेंस की बनाएं तो कुछ तरीके से एक रेंज रेजिस्टेंस की बनेगी। लॉन्ग टर्म के लिए वनडे के चार्ट पे अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको कर देगा, मैं इधर कर देता हूं जैसे कि आप नंबर्स के साथ इनको स्क्रीनशॉट ले सकें इतने एरिया का, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, शायद आपको ये हेल्प करे।
सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पॉइंट्स रेंज आपने देख लिए वनडे के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी का थोड़ा सा अगर हम एक बार ऑप्शन चिन्ह देखें तो लेट्स चेक कि अगर ये नंबर्स इसी रेशियो प्रोपोर्शन में कंटिन्यू रहते हैं कल के लिए तो क्या चांसेस बन सकते हैं। अगर सेम प्रोपोर्शन चेंज होता है मॉर्निंग में प्री ओपन के हिसाब से तो बात अलग है, बट सेम प्रोपोर्शन अगर लेकर चलें तो फिलहाल 52,500 का जो सिनेरियो है वो एक रेजिस्टेंस है। कोशिश रहेगी मार्केट की कि शायद 52,500 के नीचे ही रहे। हम अगेन मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं कि अगर यही प्रोपोर्शन नंबर रहता है कल कि मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे 30,000 के भी नंबर्स आते हैं तो यहाँ 5,000 के नंबर्स आते हैं, प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए, तो मतलब ये आप समझो कि यही मार्केट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे की तरफ, तो क्या आप चांसेस हो सकते हैं। 52,500 रेजिस्टेंस, अगेन सपोर्ट ढूंढने, कोई खास बड़ा सपोर्ट कहीं दूर तक नहीं दिख रहा है, एक छोटा सपोर्ट बीच में 52,200 का दिख रहा है, सो दिस कैन बी अ नेक्स्ट सपोर्ट। अगेन ऑब्वियसली बात है 52,000 एक नेक्स्ट सपोर्ट, ऊपर से लगातार रेजिस्टेंस का प्रेशर, हैवी नंबर्स है कॉल राइटिंग में। 52,600 की बात कर लें, 700 की बात कर लें, 800, 900, 53,000, दीज ऑल आर वेरी गुड रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ने अब आज क्लोज कहां किया है वो देखते हैं एक बार। बैंक निफ्टी ने जो क्लोज दिया है वो दिया है 52,480 के आसपास, तो यही रेशियो प्रोपोर्शन रहता है तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस पॉइंट के पास में है, तो हमें थोड़ा सा डिप देखने को मिल सकता है, ये जब सेम सिनेरियोस कंटिन्यू रहते हैं कल के लिए। सो कल सुबह अगर सिनेरियोस चेंज हुए और आपका ध्यान नहीं गया तो उसके लिए आप ये ऑप्शन चेन वाली वीडियो जो मॉर्निंग में करते हैं 10:20 पे वो आप देख सकते हैं। डेली हम मॉर्निंग में एनालिसिस करते हैं ऑप्शन चेन को कि आज चेंज इन वाई में जो चेंज हो रहे हैं उनकी वजह से मार्केट में क्या रेंज और क्या सपोर्ट बन रहे हैं, तो वो शायद आपको हेल्प करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि मॉर्निंग में ये वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ के साथ जो हम निफ्टी का देख रहे थे वनडे के चार्ट पे, तो निफ्टी के लिए जो रेंज बने वो आपके सामने क्लियर है। फिलहाल इसमें हम थोड़ा सा रेंज भी बना लें, लेवल तो हमने ड्रॉ किए हैं, अगर रेंज बनाने की कोशिश करें, क्यों रेंज हमें इसलिए इम्पोर्टेंट रहती है क्योंकि हम कई बार बॉडी को कंसीडर कर लेते हैं बट अक्सर हमसे शैडो या विक जो है कैंडल की वो छूट जाती है, और वो छूटने की वजह से भी हमारी एनालिसिस पे काफी असर पड़ता है और हमारे पॉइंट्स और हमारी रेंज गड़बड़ हो जाती है। तो जब हम रेंज बनाते हैं तो हम उसमें बॉडी और विक दोनों को कंसीडर करते हैं कि कहीं पे भी एग्जैक्टली पॉइंट्स के हिसाब से हमसे कुछ मिस ना हो जाए। तो फिलहाल छोटा सा सपोर्ट, छोटा रेजिस्टेंस, दो पॉइंट जो हमें दिख रहे हैं वो हमने यहां पे ड्रॉ किए हैं। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट 24,400 से लेके 370 मीन 30 पॉइंट्स के आसपास यहाँ रेंज है एक रेजिस्टेंस जोन का, और सपोर्ट जोन 24,170 के आसपास दिख रहा है हमें जो 175 एंड 140 अगेन 35 पॉइंट्स का जोन है, उससे नीचे जो सपोर्ट है वो 24,010 एंड 23,985 25 पॉइंट्स के आसपास का एक रेंज है। सो अब चलते हैं एक बार 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, मैं आपको बता दूं जो ब्लैक कलर से आपको यहाँ पे लाइंस दिख रही हैं ये सारे मैं लेवल्स आपको टेलीग्राम पर देता हूँ, जैसे आप ये लेवल देखिए एग्जैक्टली कितनी अच्छी तरीके से 52,270 के लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लेकर अगेन यहां से एक रिजेक्शन पॉइंट दिखाने की कोशिश की, फिर बीच में आपको ये एक सपोर्ट लेवल ने मदद की और मार्केट ने ऊपर का लेवल लिया, अगेन आपको ये लेवल ने मदद की, तो ये लेवल तो हम सुबह ऑप्शन चेन को देखकर एनालाइज कर लेते हैं, और ये लेवल में प्रीवियस स्विंग्स के हिसाब से आपको डेली 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे टेलीग्राम में देता रहता हूं, डेली मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले देता हूं। अगर आप देखें तो यहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं ये सारे लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए जो भी पॉसिबल हो सकते हैं, मार्केट जहां भी ओपन करे उसके ऊपर अगर मूवमेंट लेता है तो ऊपर के क्या लेवल्स रह सकते हैं, नीचे के क्या लेवल्स रहते हैं, ऊपर मतलब रेजिस्टेंस के लेवल हो गए, जब मार्केट नीचे है तो ऊपर के लेवल्स रेजिस्टेंस हो गए, तो ये टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपकी अगर मर्जी करे तो ज्वाइन करिएगा। ध्यान दीजिए कि मेरा कोई पेड ग्रुप या प्रीमियम ग्रुप नहीं है, मैं कोई टिप्स कॉल कुछ भी नहीं देता हूं, तो प्लीज ऐसे फ्रॉड से बचें, जहां पे भी आपको ऑप्शंस फॉर टुमारो के नाम से कोई भी ऐसी स्कीम बताई जा रही है, इन्वेस्टमेंट की स्कीम बता रहे हैं, कोई पैसा डबल करने की स्कीम बता रहे हैं, वो सब फ्रॉड आईडीज हैं, प्लीज बचकर रहिएगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो मैंने आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप तुरंत मुझे इस पे मैसेज कर सकते हैं 7011292963। रही बात है जो स्क्रीनशॉट्स मैं शेयर करता हूं ये स्टूडेंट्स के हैं जिन्होंने भी कॉम्बो कोर्स वेबसाइट से डाउनलोड करके स्टडी किया है या स्ट्रेटजी बंडल डाउनलोड किया है जिसमें से वो लगातार स्टडी कर रहे हैं,
तो 1760 का एक अच्छा प्रॉफिट है भाई, आपके लेवल सच काम करते हैं, आज हर ट्रेड में प्रॉफिट मिला है मुझे, वेरी गुड, अच्छी बात है सर, कीप लर्निंग। 720 का एक अच्छा प्रॉफिट है, 558 प्रॉपर विद एनालिसिस किया है, गुड। 2408, 986, 11574, 3569 एक लॉस है, 3300 का इनका शायद 15,000 समथिंग का एक ओवरऑल प्रॉफिट है, वेरी गुड। तो भाई आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है, और जो लोग स्टडी कर रहे हैं या स्टडी करना चाहते हैं वेबसाइट पे जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वो स्ट्रेटजी बंडल एंड ओएफटी कॉम्बो कोर्स, जो भी आप डाउनलोड करना चाहें। जिन लोगों को ये सारे टॉपिक्स क्लियर हैं, ये टॉपिक्स आप चेक करो, व्हाट इज ऑप्शंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस क्या होती हैं, क्या होता है उनके पीछे का लॉजिक और कॉन्सेप्ट, ऑप्शंस के पीछे क्या लॉजिक है, और ऑप्शंस और स्टॉक्स कैसे डिफरेंट है, साथ के साथ ऑप्शन ग्रीक्स, थीटा डीके क्या होता है, गामा डीके, इन सारे डिटेल में स्टडी, साथ के साथ चार्ट रीडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, 17 टाइप ऑफ टोटल चार्ट पैटर्न्स, कैंडल पैटर्न्स, टॉप 5 इंडिकेटर्स और ट्रेडिंग साइकोलॉजीज, स्ट्रेटजीज इसमें भी हैं जब आप सारा पढ़ोगे, और सबसे आखिरी में एक ट्रेडिंग सेटअप। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपको पहले से आते हैं, आपको सिर्फ एंट्री और एग्जिट बनाने में दिक्कत हो रही है, तो आप स्ट्रेटजी बंडल की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर ये सारे टॉपिक्स भी आपको नहीं आते हैं, जो बिल्कुल बेस है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पहले कॉम्बो कोर्स की तरफ जाइए, जिससे कि सारी चीजें पहले, ये थोड़ा मत समझिए कि मेरे पास टाइम कम है, वो मुझे बहुत जल्दी अमीर बनना है, सर मैं सीधे स्ट्रेटजी ले लेता हूँ, आप इसको ले लोगे, आपको एंट्री पॉइंट समझ में नहीं आएंगे, आप कैंडल्स ही नहीं समझ पा रहे हो। तो आप समझो, किसी भी चीज को करने में, किसी भी मार्केट के एनालिसिस को समझने में टाइम लगेगा, उसको प्रिपेयर करने में उससे ज्यादा टाइम लगेगा, बात है सिर्फ आपके समझने की। टाइम लगता है ये सबको पता है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा सर मैं क्या करूं, मैं इतना क्लियर आपको बता रहा हूं, उसी हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन करिए, और आपके सामने है सब कुछ, आपका मन करे तो करिए, नहीं मन है तो कोई बात नहीं। आप मतलब मेरा ये कहने का है कि अगर आप कहीं और स्टडी कर रहे हैं तो वो करते रहिए, बहुत जरूरी है। बस मेन मोटो है कि आपकी स्टडी नहीं रुकनी चाहिए, कोई भी एनालिसिस, बैक टेस्टिंग, चार्ट प्रिपरेशन, चार्ट पर बार बार बैक टेस्ट करना, कोई स्ट्रेटजी में एडजस्टमेंट करना, सारी चीज चलती रहनी चाहिए, सिर्फ ध्यान प्रॉफिट की तरफ या ट्रेड करने की तरफ नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, अगर आपको लगे एक बार नजर जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।